टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और इस समय सावन के आप लोग भी शायद मज़े ले रहे होंगे, क्योंकि सावन चल रहा है, बारिश हो रही है खूब मज़ेदार सी। ये देखो बाहर व्यू, ये तो देहरादून का व्यू है, और देहरादून में तो बिन मौसम भी बरसात हो जाती है, तो सावन में तो ऑफकोर्स पूरी झड़ी लगी हुई है। झड़ी तो बोलते हैं ना, लाइक ऐसे कि मतलब बंद ही नहीं होती, टिप 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 तो हर टाइम रहती है। और तेज वाली बारिश कब हो जाए तो कुछ ही नहीं पता होता। तो अभी पूरी मतलब 3 दिन से तो कंटिन्यू यहाँ पर बारिश हो रही है, आप देख सकते हो हालत है ना। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, पर सुबह सुबह मम्मी ने मेरा दिल तोड़ दिया ये बोल के कि वो जा रही हैं दिल्ली। पापा के एक फ्रेंड है तो उनका बेटा मतलब हमारे मतलब चाइल्डहुड से हम लोग साथ में से तो नहीं, चाइल्डहुड में हम लोग साथ में थे, साथ में खेले इंजॉय किया ये वो। तो वो भी जा रहा है कनाडा, तो वो रहते यहीं पर ही हैं देहरादून। तो उन वो लोग जा रहे हैं दिल्ली अभी, तो दिल्ली से उसकी फ़्लाइट होगी फिर कनाडा की। तो वो लोग दिल्ली जा, तो उनके साथ ही मम्मी जाएगी। मम्मी बोल रही कि मैं चली जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा एक साथ वाली बात है कि हाँ भाई कोई एक साथ मिल जाएगा, और प्लस कंफर्ट जोन भी अलग ही होता है, कोई अपने बंदे के साथ में गाड़ी में उनके साथ निकल जाऊँगी, अकेले फिर परेशान हो जाऊँगी अकेले। तो मान नहीं रही, मैं तो बोल रही हूँ थोड़ा रुक के चले जाओ, जल चढ़ जाएगा फिर चले जाना। अभी पता है जब घूमने और आते हैं ना, हमेशा वो लोग संडे को जाते हैं, सैटरडे को कभी नहीं रुकते, संडे से जैसे मंडे तक रुक जाए। तो रुके तो थे वो, बट पता नहीं कि वो वहाँ पे जाके भी क्या करेंगे, मतलब अकेले ही तो रहना वहाँ पे भी। जब दिल्ली पापा आए थे तो फिर तब तब दिल्ली पापा को भी आई थी ना, तब भी वो संडे को ही रहे, और अब भी एक संडे को जा। तो मम्मी बोल रही है नहीं मुझे जाने दे, बहुत दिन हो गए ये वो। क्या हो गया, वहाँ पे भी तो अकेले रहना, अब जा रही हूँ वो अच्छा सा नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा लग रहा। लगभग मतलब बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 1 मंथ से हम लोग साथ थे, 1 महीना, क्योंकि मम्मी फिर कुछ दिन गांव में रही। वहाँ पे भी अकेले ही रहना, मैं बोल रही थी रह लो कुछ दिन और, फिर तो पता नहीं कब आना है। मम्मी ने मान ही नहीं है, जा रही है, बाकी देखते हैं, ट्राई कर रही हूँ मैं कि रुक जाए तो। पापा को कॉल करके देखती हूँ, पापा अगर बोल दें तो चलो चलते हैं अंदर। भी चाय वाय बनाई थी मम्मी को, चाय दिए बना के, और कल जो पतोड़ बनाए थे वो रखे थे थोड़े से गर्म करके माइक्रोवेव में, मैंने दिए हैं। अभी मम्मी दवाई खा रही है अपनी, नाना जी से बात कर रही थी, पता नहीं शायद अभी हुई नहीं है। चलो चलते हैं अंदर देखते हैं। मम्मी और पतोड़ की सब्जी मतलब सब्जी के स्नैक्स ही है। मम्मी ने अभी दवाई नहीं खाई, पतोड़ में ना ज़्यादा मैदा हो गया था, मैदा नहीं डलता उसमें, बेसन डलता। हाँ बेसन ज़्यादा हो गया था तो इसलिए किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, ज़्यादा बेसन डाल दिया था, तो अगर कम होता तो ठीक है। तो पतोड़ नहीं मतलब वैसे बन गए, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, मैंने बस दो खाए ऐसे। नहीं अच्छा नहीं बन रहा था, कितना टेस्टी है, इसे ही अच्छी नहीं लगती है ऐसी चीज़ें। ये देखो कितना देखने में कितना लैविश लग रहा है, कितना टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस। आपने एक और भी तो बेसन की चीज बनाई थी, क्या कहते हैं उसे, चीला। चीला तो बेसन का चीला तो बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी भी होता है, तो सारे वेजिटेबल्स डाले थे मैंने उसमें। तुम बोलो ही मत, तुम तो तुम्हें खाने की तमीज ही नहीं है, तुम मत बोलो, तुम सिर्फ मैगी बिस्किट और नमकीन वाली हो, तुम मत ही बोलो, तो तुम मत ही बोलो। मेरे को ये अच्छे नहीं, ब्रेकफास्ट ले लूं, मम्मी रुक
नहीं रहे, कह रहे हैं चली जाती हूँ। पापा से भी बात हो रही है वीडियो कॉल पे, पापा भी कह रहे हैं चले जाओ जब कंपनी मिल रही है साथ में जाने के लिए। तो देखते हैं, बाकी देखना क्या, अब जा ही रही होंगी, बारिश हो रही है बाहर। अजीब सा लग रहा है, अच्छे से जिद नहीं करनी, पिटाई नहीं खानी, ठीक है? और अच्छे से ना के आ जा, ठीक है? क्या हुआ? चलो ठीक है बेटा, फिर देखते हैं, फिर मिलेंगे। ये ले। ना ना मैं नहीं ले रही कुछ मम्मी, नहीं 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 ना यार मम्मी मत करो ना। जा रही हूँ मम्मी, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल।